नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनिमल विजडम की इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आउल मैजिक। जी हाँ, आउल्स मैजिक। तो आउल जो हमारा स्पिरिट एनिमल है, उसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और आउल क्या क्वालिटीज लेकर आता है, आउल हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, कौन से सिचुएशंस में हम आउल को इन्वोक कर सकते हैं, कैसे हम आउल एनर्जीज के साथ में काम कर सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन में एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ला सकते हैं। हमारे एक इंडियन कल्चर में आउल को बहुत बड़ा महत्व है, खास करके हिंदू कल्चर में। क्यों? क्योंकि आउल को माँ लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है ना। तो जहाँ वाहन होता है वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा होती है, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ उनका आउल उनका वाहन होता है, और जहाँ वाहन होता है वहाँ माँ लक्ष्मी होती है। तो आप आउल एनर्जीज को किस तरह से अपने जीवन में ला सकते हैं? आप देखते होंगे कि आउल जो सक्रिय होता है बहुत ज़्यादा, वो रात के समय में होता है, मतलब अंधेरे में। क्यों? क्योंकि आउल की जो देखने की क्षमता है वो अंधेरे में भी बहुत पावरफुल होती है। वो अंधेरे को चीरते हुए बहुत क्लियरली जो है आसपास सराउंडिंग्स में देख सकता है। और आउल हमेशा, उल्लू जो है रात में ही शिकार करते हैं, ये रात में जगते हैं। तो ये एबिलिटी कोई और एनिमल में नहीं होती है जो अंधेरे में क्लियरली देख सके। अब इससे मैं आपको ये चीज़ कनेक्ट कर रही हूँ कि आउल जो होता है आपके जीवन में क्लैरिटी ला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं या कुछ ऐसी उलझने हैं जिसकी पार आप नहीं जा पा रहे हैं, या उस उलझनों के पीछे कौन है, जैसे एक रहस्य है कि कोई आपके जीवन में बहुत केओस क्रिएट कर रहा है, कोई है जो पर्दे के पीछे रह के आपके जीवन का ड्रामा चला रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन में, फिर वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या आपके स्पाउस के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या आपके घर में कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा है और आप चाहते हैं कि उसकी सच्चाई सामने आ जाए, उसने जो एक मास्क अपने पहन रखा है, जो वो अपने आप को अच्छा दिखा रहा है या आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको गलत साबित कर रहा है, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति की सच्चाई दुनिया के सामने आए। आप कुछ भी रिवील करवाना चाहते हैं, किसी से सच बुलवाना चाहते हैं कि वो अपने मुंह से बोले, उस समय में आप आउल को इन्वोक कर सकते हैं। क्योंकि आउल को क्लियर विजन कहा गया है। क्लियर विजन यानी सब कुछ साफ साफ, शीशे की तरह वो साफ कर देगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है, क्या हो रहा है, या उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, बहुत बार हम दीवार के पीछे क्या बातें चल रही है हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो भी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप आउल एनर्जीज को इन्वोक करेंगे। आउल जो है आपको इंट्यूटिव पावर्स बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। जैसे बहुत बार बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आपके समझ में आ जाएंगी कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। वो क्लैरिटी आपके जीवन में जो है वो आउल लेके आ सकता है। अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे आपका इंट्यूटिव होना बहुत ज़रूरी है, या आप नहीं भी कोई ऐसे प्रोफेशन में है लेकिन जीवन में भी इंट्यूटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस वक्त आप उस क्लैरिटी के लिए, उस इंट्यूटिवनेस के लिए, उस क्लैरवॉइंस के लिए आप आउल को इन्वोक कर सकते हैं। आउल एनर्जीज के साथ मैं बहुत काम करती हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, मेरा काम ही ऐसा है जहाँ पे मुझे लोगों को परखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसके हिसाब से मैं लोगों के साथ व्यवहार कर सकूं, या उसकी समस्या क्या है, उसकी पार की चीज़ें मुझे समझनी पड़ती हैं, तो उस वक्त मुझे आउल एनर्जीज बहुत मदद करती है। दोस्तों, तो इस आउल एनर्जीज को मैंने माँ लक्ष्मी से भी कनेक्ट किया है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने घर में एक छोटा सा आउल
का स्टैचू आप अपने घर में, मूर्ति जिसे हम कहते हैं, वो आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन आप कहाँ रखेंगे उसको? आप आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे, क्योंकि जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो है माँ लक्ष्मी का स्थान। तो आप इसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। इससे आपको, आप देखोगे कि किस तरह से आपके फाइनेंसिस में एक बदलाव आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि जहाँ वाहन होता है वहाँ माँ लक्ष्मी ज़रूर होती है। और एक चीज़, आपके घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ प्रवेश नहीं कर पाएगी अगर आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में आउल है तो आप इनको रख सकते हैं। और इनका मैजिकल जो स्विच वर्ड है बहुत सिंपल है, ये कुछ इस तरह से है, आउल मैजिक बिगिन नाउ। बस आपको आउल एनर्जीज के साथ में कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। बस आउल की उस स्पिरिट गाइड को आप एक या दो मिनट के लिए आप अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। सांसें, गहरी सांसें यानी बेली ब्रीदिंग कीजिए। बेली ब्रीदिंग लिटरली वर्क्स, इट इज़ नॉट अ मिथ। जैसे ही आप बेली ब्रीदिंग करते हैं आप अपने आप से, स्वयं से कनेक्ट होने लगते हैं। तो आप बेली ब्रीदिंग कीजिए और उसके बाद आप आउल मैजिक बिगिन नाउ, आउल मैजिक बिगिन नाउ, इस तरह से आप चैंट करते रहिए। आपके जो भी इंटेंशंस है, कोई सिचुएशन में आपको क्लैरिटी चाहिए, कोई सिचुएशन में आप किसी का पर्दाफाश करना चाहते हैं, या आप अपनी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं, आपके सामने उलझने हैं और उन उलझनों के पार आप सल्यूशन को देखना चाहते हैं, इस स्थिति में आप जो है आउल मैजिक को इन्वोक कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आउल मैजिक बिगिन नाउ। बहुत सिंपल है। आप क्या कर सकते हैं? आप आपके मोबाइल स्क्रीन्स में आउल सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई इम्पॉर्टेंट काम के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, वैसे तो आउल बहुत रेयर है, नहीं दिखता है। अगर आपको आउल दिख गया, इसका मतलब आउल आपको आगाह कर रहा है कि अभी थोड़ी देर के लिए इस काम को टाल दीजिए, अभी मत जाइए, अभी रुक जाइए, आपका काम नहीं बनेगा। दोस्तों अभी ये बहुत मुश्किल है हमारे शहरों में आउल दिखना, गाँव में भी बहुत रेयरली दिखते हैं। लेकिन अगर आप इस आउल एनर्जी के साथ जिस तरह से कनेक्ट होंगे ना, आप देखोगे आपको आउल नजर भी आएगा, दिखाई भी देगा, दिन के वक्त भी दिखाई देगा, रात के वक्त भी दिखाई देगा, और ये हमेशा आपके स्पिरिट गाइड की तरह आपके साथ रहेगा और इसकी प्रेजेंस आपको हमेशा फील होते रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आउल मैजिक बिगिन नाउ ये चैंट करना है। जब भी आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं वहाँ पे, जो जो सिचुएशंस मैंने बताई हैं, आप इसको चैंट करिए। और इसका नंबर क्या है? आउल का भी एक नंबर है ना, जैसे वुल्फ का था, तो आउल का नंबर है 01। जी हाँ, 01। आपको 1 नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल इस तरह से लिखना है 0 और फिर 1। आप कहाँ लिखेंगे? आपकी लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड में। क्यों लेफ्ट साइड में हमेशा कहती हूँ? क्योंकि लेफ्ट साइड इज अ हैंड ऑफ रिसीविंग। आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप लेफ्ट हैंड से लीजिए तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और कुछ देना है अपने राइट हैंड से दीजिए। आपको अगर मनी एनर्जीज के ऊपर भी, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, अरिगातो मनी। उसमें मैंने ये थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको एक्सप्लेन किया है कि रिसीविंग हैंड और गिविंग हैंड का क्या महत्व है, वहाँ पर आपको ये समझने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप आउल एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इस स्पिरिट एनिमल की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, और आप आपके जीवन में आउल का मैजिक देख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी रोमांचिक सब्जेक्ट्स के साथ में मैं आपको मिलती रहूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में और भी बहुत ही रहस्यमय टॉपिक्स के साथ। आत्म नमस्ते।